यदि पूरी संसार के दुख को तीन शब्दों में कहूं, अज्ञान, अभाव और अन्याय, हम अपने भीतर इन सत्यों को अनुभव कर सकते हैं, इन तथ्यों को अनुभव कर सकते हैं। और समस्ती में भी यही हो रहा है। अज्ञान, कितने क्षेत्रों में अज्ञान है, खाने पीने से लेकर के न्यूट्रिशन, एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, लैक ऑफ नॉलेज जो एक शब्द बोला जाता है, माने अज्ञान, अल्पज्ञान, मिथ्या ज्ञान, भ्रांत ज्ञान, कितने शब्दों में उसको कहें, अविद्या कहें, सब दुखों का, दरिद्रता का, अन्याय का यही मूल है अज्ञान। उसको अंग्रेजी में पूरी तरह से ट्रांसलेट नहीं कर सकते, बोल दिया जाता है इलिटरेसी, अभाव को बोल दिया जाता है पावर्टी। ये बहुत बड़े शब्द है अज्ञान, अभाव। हम अपने भीतर अभाव अनुभव करते हैं, अधूरापन, अपूर्णताएं, भावनात्मक दृष्टि से, वैचारिक आध्यात्मिक दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से भी, ये दोनों ही दरिद्रताएं, माने भौतिक दरिद्रता और आध्यात्मिक दरिद्रता। अज्ञान कितने उसके क्षेत्र है, अज्ञान, अभाव, अन्याय। कहने को अंग्रेजी में बोल दिया जाता है लिटरेसी, पावर्टी एंड इनजस्टिस, लेकिन ये बहुत गहरे शब्द हैं, इनको आप भारतीय दार्शनिक जो परंपरा उसी से समझ सकते हैं। आइए अनुलोम विलोम करते रहिए, इन सबसे मुक्त होना है आपको, पूर्ण ज्ञानमय, पूर्ण समृद्धिमय, न्यायपूर्ण जीवन जीना, यह है। और जो मैं भी इस जीवन में कर रहा हूं, मेरे भीतर और इस समष्टि में कहीं पर भी अज्ञान ना हो, कहीं पर अभाव ना हो, कहीं पर अन्याय ना हो, यही तो मकसद है हमारा। करते रहिए अनुलोम विलोम, लय के साथ करना, रुकना नहीं आपको, लगातार करना है, लगातार। थक जाएं तो भी करना है। मैंने एक जीवन के बहुत बड़े सत्य को संकेत भर कहा था कि अच्छा काम इच्छा ना होने पर भी करना चाहिए और बुरा काम इच्छा होने पर भी नहीं करना चाहिए, यही अच्छा बनने का एक उपाय है। कहते नहीं आदमी बहुत अच्छा है, आदमी बहुत बुरा है। अच्छा काम, योग अच्छा काम है, भोग अच्छा काम नहीं है। योग इच्छा नहीं होने पर भी करो, अब आपकी इच्छा नहीं है, हाथ नीचे आ गया, फिर करो, दोबारा करो, हाथ ऊंचा करो, इसी से ही आपके भीतर पूरा रूपांतरण आएगा। आप अपने बच्चों से कराइए, उनका शरीर बल, मनोबल, बुद्धि बल, आत्मबल इतना प्रबल होगा, उनका सर्वांगीण विकास होगा। बचपन में उन बच्चों में इतनी प्रतिभा आएगी, जो सामान्य बच्चे 20, 30, 40 साल में अर्जित कर पाते हैं, वो आपका बच्चा 15 साल में अर्जित कर लेगा, इतना सामर्थ्य आएगा योग से। इसलिए हम आचार्य कुलम के छोटे बच्चों से लेकर के वैदिक गुरुकुलम, पतंजलि विश्वविद्यालय तक के सभी विद्यार्थियों को योग करवाते हैं। सर्वांगीण विकास का, ये व्यक्तित्व विकास का, ये मानवीय विकास का सबसे बड़ा माध्यम है। देखने में छोटी छोटी योग की क्रियाएं लगती हैं, लेकिन इन क्रियाओं में अपरिमित सामर्थ्य। अनुलोम विलोम में से लगातार करने की आदत डालिया, किसी के हाथ नीचे आ गया, अभी कपाल भाती बाद में कराएंगे, अब अनुलोम विलोम कीजिए, जो मैं कराता हूं वही कीजिए, जो मैं बोलता हूं वो सुनिए। अब यहां आप मेरे अधीन हैं, यही गुरु शिष्य परंपरा है। मम व्रते हृदयम ते दधामि, मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु, मम वाचम एक मना जुषस्व, बृहस्पति स्वा नि युनक्तु मह्यम।
गुरु के साथ एकाकार होकर के इस विद्या को सीखा जाता है। अनुलोम विलोम लगातार करो, लगातार करो, रुकना ही नहीं आपको। 5 मिनट 10 मिनट ऐसे कंटिन्यूस करने का अभ्यास, पूरा जीवन अभ्यास ही तो है क्या। बैड प्रैक्टिस, बैड प्रैक्टिसेस, गुड प्रैक्टिसेस, यही तो हमारी लाइफ में है और है क्या। और उन अभ्यासों का परिणाम ही हमारा पूरा जीवन होता है। रिलैक्स, चलो इन प्राणायाम का अभ्यास करते समय नहीं तो अभ्यास कर लिया करो, एक तो दोनों हाथ कंधों पर रखो, गोल गोल घुमा। अब इतनी बात कहने के बाद मैं अगले विषय में प्रवेश कर रहा हूं। एक तो आपको ये बताया कि सामान्य रूप से देखने में हमें ज्यादा शक्तियां नहीं दिखती हैं, क्योंकि हमारे अंदर स्वाभाविक रूप से सामर्थ्य कम होता है। नैमित्तिक ज्ञान, नैमित्तिक सामर्थ्य माने कोई निमित्त चाहिए, बाहर का आश्रय चाहिए, आलंबन चाहिए। आपके भीतर की शक्ति, आपके भीतर के ज्ञान, आपके भीतर की सामर्थ्य, आपके भीतर की दिव्यता को प्रकट करने के लिए बिना आलंबन के, बिना बाहर के आश्रय के आपके भीतर की वो शक्ति, वो सामर्थ्य प्रकट नहीं होगा। बिना पढ़ाए, बिना सिखाए आज तक कोई डॉक्टर नहीं बन सका, साइंटिस्ट नहीं बन सका। इसलिए मैंने पहले दिन बहुत सूक्ष्मता में इस बात को कहा था, हमें अपने जीवन में महान बनना है तो 5 चीजें हमें महान बनाती है, प्रारब्ध, पुरुषार्थ, वातावरण, प्रशिक्षण और प्रशिक्षक। प्रशिक्षक माने गुरु, आचार्य। 5 चीजों से हमारे भीतर का ही सारा सामर्थ्य पूरी तरह से जागृत होता है और हमारा पूरा व्यक्तित्व विकसित होता है। ये तो थोड़ा सा आपको अनुलोम विलोम करते हैं ना तो ये थोड़ा फिर खुल जाते हैं। अब थोड़ा बटरफ्लाई कर लीजिए, अब इससे आगे ले चलता हूं। उसको लगता है जब इतना सब कुछ कहते हैं, सारे शास्त्र कहते हैं था ब्रह्मांड तथा पिंड, जो इस ब्रह्मांड में सब इस पिंड में हर एक मानव में महामानव होने की शक्ति सामर्थ्य है, हमारे इस पिंड में सारा ब्रह्मांड समाहित, ये बातें हमको तो अनुभव में आती नहीं। मैंने छोटे से लेकर के बड़े तक उदाहरण दिए। बिना सर्जरी सिखाए आज तक कोई सर्जन बना? कि कोई ऐसे खेत में हल चला रहा था और वो आदमी एक दिन हार्ट की सर्जरी करने लग गया है? बिना सिखाए कोई सीखता नहीं। तो बड़ा एग्जांपल है, अरे बिना तैराकी आपने सीखी नहीं है, स्विमिंग आपने सीखा नहीं है तो क्या आप तैर सकते हो? लेकिन आदमी को सिखाया जाए तो क्या नहीं हो सकता। अब तो अब एक बात यह है कि आप बिना किए कुछ नहीं मिलेगा, बिना सीखे आप कुछ नहीं सीखोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। कोई अचानक ऐसे उठा और उसने अपने बांसुरी हाथ में ली और ये जैसे हमारा बजाता है कपिल, ऐसे कोई बांसुरी बजा सकता है कि ऐसी बांसुरी पकड़ी और उसको स्किल आ गया? नहीं आ सकता। कुछ भी काम कर लो, कोई भी काम, हाँ आप सीख सब सकते हो। बच्चे जल्दी सीख जाते हैं, ये बड़ों की सीखने की क्षमता थोड़ी कम हो जाती है। आप कहेंगे ये कैसे, बड़ों में तो बढ़नी चाहिए। उसके दूसरे कारण है, तुम्हारी एकाग्रता टूटती है और कुछ नहीं है। खैर अब विषय पर वापस आ रहे हैं। तो आप में सारा सामर्थ्य है लेकिन वो सामर्थ्य बिना जागृत किए जागृत होता। जैसे एक खेत में कितने प्रकार की खेती ले सकते हो, गेहूं बाजरे से लेकर के अलग शाक सब्जियों फलों से लेकर के केसर से लेकर के, अच्छी या बुरी, उसमें भांग भी धतूरा भी बो सकते हो, उसमें भांग धतूरा अफीम आदि नशीली चीजें भी बो सकते हो, उसमें झाड़ झंकाड़ भी बो सकते हो, और उसमें केसर भी बो सकते हो, आम भी बो सकते हो, तीखी मिर्च भी बो सकते हो, मीठा आम भी बो सकते हो। देखो तो हमारा जीवन किसकी तरह है, बोलो, खेत की तरह है। इसलिए शरीर को और खेत, उसको भी क्षेत्र कहा जाता है, इसको भी क्षेत्र कहा जाता है। खैर अब
थोड़ा सा ये अभ्यास कर दीजिए, थोड़ा सूक्ष्म है, ये तो मोटापा के लिए करना ही है आपको, तो एक राउंड अभी कर लो, चलो अब एक एक बात को जब मैं कहने लगता हूं तो उससे संबंधित इतने बड़े बड़े तथ्य सत्य इतने पहलू उसके मेरे सामने आने लगते हैं, तो फिर आगे बढ़ना ही मुश्किल हो जाता है। गोल गोल घुमाओ, लंबे लंबे सांस, अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार ऐसे एक एक अभ्यास को एक मिनट से लेकर पांच मिनट तक करना है। मोटापा घटाने के लिए जो मोटापा वाले अभ्यास बता रखे ना आपको, बैठ करके तीन अभ्यास, चक्की आसन, स्थित कोणासन और पश्चिमोत्तानासन, ये आपको एक दो मिनट से लेकर पांच पांच मिनट खड़े होकर के ऐसे ही त्रिकोणासन, कोणासन, पाद हस्तासन और तिर्यक ताड़ासन, उल्टे लेट करके भुजंगासन, सलभासन, सीधे लेट करके अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, फिर अंत में दो रिलैक्सेशन के लिए अमरकटासन और सवासन, ये 14 अभ्यास और 6 कपाल भस्त्रिका कपालभाति से लेकर के प्राणायाम के अभ्यास। और इसके अलावा भी अतिरिक्त अभ्यास भी हमने आपको बताए, उनको करके आप मोटापा कम कर सकते हैं। चल दोनों पैरों को खोल लो, अभ्यास को कितनी बार कर सकते हैं, एक मिनट से लेके पांच मिनट। दोनों हाथों को साइड से ऊपर उठाइए, आगे झुक जाइए और माथा घुटनों से लगाइए, ऐसे करो, आगे झुको और कोशिश करो माथा घुटनों से लग जाए। ये भी 10 बार 20 बार ऐसे धीरे धीरे अभ्यासों को बढ़ाना तो फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। उम्र के साथ अकड़ पड़ गई है, पकड़ कमजोर पड़ गई है। चलो ये तो बाद में करवाने हैं पूरे अभ्यास, वापस बैठ जाओ। अब सीधे बैठ करके फिर से एक बार कपालभाति का अभ्यास करेंगे और मूल विषय पर मैंने अभी तो उसकी भूमिका रखी थी। मैं इस बात को बहुत गंभीरता से कहना चाहता हूं, जैसे धर्म के नाम पर बहुत सा भ्रम है, अज्ञान है, अज्ञान के क्षेत्र बहुत है। अब उसमें चिकित्सा विज्ञान के नाम पर जो अज्ञान, माने विज्ञान के नाम पर अज्ञान कि मैं ये विषय एक घंटा में रख चुका हूं कल, कि थायराइड की ओर नहीं होता, बीपी की ओर नहीं होता, डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटीज के नहीं होते, अर्थात बीपी की ओर, शुगर की ओर नहीं होता, अर्थराइटिस अस्थमा की ओर नहीं होता, SLEMS ऑटोमैन डिजीज कैंसर के तो क्योर होने की बात ही भूल जाओ, डीजनरेट वे सेल्स का रीजनरेट होना तो पॉसिबल ही नहीं है। एक बार जो रोग हो गया जिंदगी भर उसको ढोना ही पड़ेगा, उसी के साथ जीना पड़ेगा। सुन ले माताओं, तुमने ऐसा सोच रखा था कईयों ने कि अब तो इस मोटापे के साथ ही जीना पड़ेगा, और जीना ही नहीं मरना पड़ेगा, और कुछ ने तो ये भी सोच रखा था, बोले इस जन्म में मोटे हैं तो अगले जन्म में पतले कैसे हो जाएंगे, अगले जन्म में पैदा होते ही मोटे होंगे, बोले हमारी तो किस्मत ही ऐसी है, यहां तक हम सोच लेते हैं, उल्टा उल्टी खोपड़ी है ना। छोड़ो, आप ये सोच लो कि अब मैं मोटी नहीं रहूंगी,
मुझे रास्ता मिल गया है। मुझे मोटापे के साथ नहीं जीना है, मुझे रोगों के साथ नहीं जीना है, मुझे दुखों के साथ नहीं जीना है, दरिद्रता के साथ नहीं जीना है। मैं तो सुख और सौभाग्य के लिए पैदा हुई हूं। ये आपके लिए भी कह रहा हूं, ये माताओं के लिए नहीं, ये पिताजी आपके लिए भी है। ये जो है हमने मान लिया कि हम तो ऐसे रहेंगे, अपने बारे में, अपने देश के बारे में, हमारा देश ऐसे रहेगा, ये नहीं सुधर सकता। और मैं इस बात का विरोधी हूं, इस बात का बैरी हूं, इस बात में मैं विद्रोही भी हूं। ये कैसे होगा, ऐसे कैसे चलेगा? अपने संदर्भ में और समष्टि के संदर्भ में हमें अपने जीवन में और जगत में रोगों के साथ, बुराइयों के साथ, दुख के साथ, दरिद्रता के साथ, अभाव, अज्ञान, अभाव और अन्याय, इलिटरेसी, पॉवर्टी एंड इनजस्टिस के साथ समझौता नहीं करना। लेकिन हम समझौता करके बैठे हैं, यही तो हमारे दुख का कारण है। लेकिन खाली सोचने से ही बात नहीं बनेगी, फिर एक्शन में आनी चाहिए चीजें। संकल्प तो पहला कदम है, पुरुषार्थ। मैंने कहा अपने जीवन को, इस जगत को जैसा चाहो वैसा स्वरूप दे सकते हो। ये एक एक वाक्यों में बहुत बड़े बड़े दर्शन कहे आपसे मैंने, कपाल भाती करते रहिए। चिकित्सा के नाम पर देश और दुनिया के लाखों डॉक्टरों ने बहुत बड़ा ये अपराध किया है, ये दिस इज सोशल क्राइम, ये बहुत बड़ा सामाजिक अपराध है, ये वैज्ञानिक अपराध है, ये साइंटिफिक क्राइम है, ये परमाणु बम आदि बनाना भी, ये भी बहुत बड़ा वैज्ञानिक अपराध है। वैसे मूलतः देखा जाए तो आदमी अपनी बुद्धि पर इतराता है कि मैंने परमाणु बम भी बना दिया, परमाणु बम बना दिया तो क्या बहुत बड़ा काम कर दिया, दुनिया के विनाश के बीज बो दिए तो हमने कौन सा बड़ा बहुत बड़ा काम कर दिया। ऐसे ही सारी दुनिया के डॉक्टर 99% एक लोगों के दिमाग में गलत बात बैठाना, ये भी बहुत बड़ा पाप है, ये बहुत बड़ा अधर्म है, ये बहुत बड़ा अन्याय है। लोगों के दिमाग में ये सेट कर दिया कि ये तो बीपी क्योर ही नहीं होगा, थायराइड क्योर ही नहीं होगा, ये मोटापा ठीक ही नहीं होगा, अर्थराइटिस ठीक ही नहीं होगा, एक बार जो अंग उन्हें काम करना कम कर दिया तो ये लीवर किडनी अब दोबारा से इनके सेल्स रीजनरेट होंगे ही नहीं। हमने सब करके दिखा दिया, अब हमने कहा ही नहीं है, हमने कर दिया है, और इसको हम और बड़े पैमाने पर भी करने वाले हैं। अभी तो करीब जो है आपके सामने, अभी फेज वन और फेज टू के बीच में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाई है, करीब इसमें 150 करोड़ रुपए खर्च हो चुका है। अभी इसमें करीब आने वाले 1-2 सालों में 500 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करेंगे। अभी हम रिसर्च के काम के ऊपर अभी ध्यान दे रहे हैं। दरअसल अब हम भाई देखो, पहले तो गुफा में रहने वाले पैदा हुए थे झोपड़ी में, फिर चले गए गुफा में, अब हमने कहा कि हम तो रहेंगे झोपड़ी में, अभी भी झोपड़ी में रहते हैं, हम नई सी यूज करते हैं, पंखा भी बहुत धीमे से चलाते हैं, शरीर ठीक रहता है, इसी में रात भर सो करके ना शरीर सुबह अकड़ जाता है, अपना शरीर एकदम गर्मा गर्म रहता है, ठीक ठाक रहता है, फेट एकदम फर्स्ट क्लास, दिन में पसीना आता है तो बढ़िया है, सारे रोम को खुल जाते हैं, जब सर्दी लगती है तो सभी सर्दी से गर्मी से अपने शरीर में ना शक्ति आती है, इसलिए उनको सहते हैं। खुद तो झोंपड़ियों में रहना है, आचार्य चाणक्य ने एक सूत्र दिया, हमारे ऋषियों का सूत्र है, वेदों का सूत्र, भद्रम इच्छन तरिषा सर्वविदा तपो दीक्षा उपनिषे दुराग्रे ततो राष्ट्रम बलम ओजस सजातम तदस्मै देवा उपसंनमन्ति। जिस देश का फकीर, सुनो जरा, ये इतने संस्कृत नहीं आती है तुमको, जिस देश का फकीर और जिस देश का वजीर झोपड़ियों में रहता, उस देश की प्रजा महलों में निवास करती है। और जिस देश का वजीर और जिस देश का फकीर, जिस देश का फकीर और जिस देश का वजीर महलों में ऐशो आराम में रहना शुरू कर देता, उस देश की प्रजा झोपड़ियों में आ जाती है, वहां दरिद्रता छा जाती है। इसलिए हमको तो झोपड़ियों में रहना है, लेकिन इस देश को परम वैभवशाली बनाना है, परम वैभवशाली बनाना है। और ये जो सारे काम चल रहे हैं ना, इनके पीछे मकसद ये दुनिया को दुनिया की भाषा में ही समझाना है,
ये विज्ञान के नाम पर अज्ञान फैला है ना, ये नहीं होता है, वो नहीं होता। मैंने कहा 100,00,000 करोड़ रुपए का इसके पीछे कारोबार है, ये जो झूठ फैला रहे हैं ना, ये रोग नहीं मिटता, ये रोग नहीं मिटता। और बोले तुमको ताकत चाहिए तो हम तुम्हें पावर ड्रिंक्स देंगे, तुमको हम ही विटामिन देंगे, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन B12 हम ही देंगे तुमको, तुमको ताकत हम ही देंगे, तुमको दवाइयां हम ही देंगे, तुमको सहारा हम ही देंगे, तुम बीमार हो गए तो ऑपरेशन हम ही करेंगे। अरे तुम होते क्या हो, हम योग करेंगे। ये सारी दुनिया को समझाने की जरूरत है। और हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना है कि भारत सहित पूरी दुनिया के लोग सुबह उठ करके योग करना शुरू कर दें तो इस दुनिया के 99% दुखों का समाधान हो जाए, ना कोई बीमारी रहेगी, ना कोई बुराई रहेगी, ना हिंसा रहेगी, कोई वायलेंस रहेगा नहीं, ना युद्ध होंगे। सब सुबह सुबह उठ करके योग करेंगे तो दिन भर कर्म योग करेंगे, ना कोई हिंसा, ना कोई युद्ध, ना कोई खुरापात, ना कोई मजहबी उन्माद, ना कोई आतंकवाद, ना कोई नक्सलवाद। सारी दुनिया में खतरे तो यही है, कैसे मिटेगा ये सब। योग करने वाला व्यक्ति जब अपनी ही आत्मा का विस्तार सब में देखता है तो कैसे किसकी हिंसा कर सकता है। इसलिए एक हिंदू परिवार में पैदा होके, एक जैन बौद्ध सिख परिवार में पैदा होकर के, एक ईसाई परिवार में पैदा होकर के, और मुसलमान परिवार में पैदा होकर के भी कोई आदमी आतंकवादी हो सकता है, हिंसक हो सकता है, क्रूर हो सकता है, वो मर्डर कर सकता है किसी का, वो नक्सलवादी आतंकवादी भी हो सकता है। हो रहे ना अपने अपने देश में, बताओ। ये देखो, ये टीवी पर बहस करना अलग बात है, क्या हमारे देश में हिंदू परिवारों में पैदा हुए बच्चे आतंकवादी नहीं है? क्या मुस्लिम परिवारों में पैदा हुए पूरी दुनिया के अंदर बच्चे उन्माद पैदा नहीं कर